दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार के बेसिक नॉलेज के बारे में। ये है क्या? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना उसकी प्रकृति है। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। मनुष्य क्या दोस्तों? समाज में रहता है, समाज में रहना उसकी आवश्यकता है और समाज में रहने के लिए उसको संचार करना आवश्यक है। संचार उसकी क्या जन्मजात प्रकृति है। वो जब जब से उसने जन्म लिया तब से लेके अब तक वो अपने विचारों, हाव भाव, अपनी बात को कहने के लिए क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। और क्या है दोस्तों, इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता अनुभव हो गया होगा, जो कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गया है। देखिए, जब से मनुष्य आया तब से कम्युनिकेशन का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। जिस तरह से मनुष्य के लिए, शरीर के लिए भोजन करना आवश्यक है, उसी तरह समाज में रहने के लिए मनुष्य के लिए क्या जरूरी है? संचार, कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक एक दूसरे से बातचीत करता है, उसको समझता है और अपने हाव भाव व्यक्त करता है। ये इसका आसान भाषा में हम मीनिंग कह सकते हैं। अब देखिए, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चा है, बच्चा जन्म लेता है तो उसे लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन करता है। उसे अगर दूध पीने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? वो रोएगा। अगर उसे भूख लगेगी तो कुछ भी चीज़ लेने की इच्छा होगी तो वो उसकी तरफ इशारा करेगा। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा, हाव भाव के जरिए हमें समझाने की कोशिश करेगा। और जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। तो वो क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सार्थक चिन्हों के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। अब मान के चलिए एक बच्चा है, मान के चलिए वो पहले अलमारी की तरफ इशारा करता है, अलमारी के अंदर कुछ खिलौना पड़ा है, ठीक है, पहले अलमारी की तरफ करता है, फिर छत की तरफ इशारा करता है, फिर कहीं और करता है, फिर और कहीं करता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसे एक्चुअल में चाहिए क्या। तो वो क्या, वो सार्थक चिन्ह नहीं है। हमें ऐसे इशारे करने पड़ेंगे जो सही कम्युनिकेशन करते हो। अगर बच्चा बार 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 खिलौने की तरफ इशारा कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए, खिलौना चाहिए। लेकिन वो 10 बार इशारे करे और 10 बार अलग अलग चीज़ों की तरफ इशारे करे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। तो ये है दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए सार्थक चिन्हों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेत और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे वो क्या कहलाता है? वो संचार कहलाता है। कम्युनिकेशन की परिभाषा दोस्तों, संचार की परिभाषा देखते हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश में आप ये देख लेना, CommunicationS, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्यूस से बना है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्यूस से बना है, जिसका अर्थ है टू इम्पोर्ट टू कॉमन। मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। यहाँ पे इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शब्द कम्यून शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है आदान प्रदान करना अथवा बांटना। ये चीज़ याद रख लेना। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग थिंकर ने कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है, उन्होंने किस तरह से उनको डिफाइन किया है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, चेरी के अनुसार क्या है? संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। सैनन ने क्या कहा है? सैनन ने संचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, यानी कि एक माइंड द्वारा दूसरे माइंड पर जो प्रभाव डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ये सैनन का मानना है दोस्तों। और उसके बाद में मिलेन ने क्या कहा है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। इन्होंने क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया इसको, क्या किया? आपके अनुसार संचार एक प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। अब देखिए, हर थिंकर है वो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करता है। ये हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बस हमें बेसिक समझ के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। वीवर के अनुसार, वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन्होंने मनुष्य की बात की, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, वो क्या संचार है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे पशु पक्षी है वो भी तो संचार करते, पेड़ पौधे वो भी तो संचार करते, हर कोई संचार करता है, सजीव वस्तु, हर सजीव वस्तु संचार करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, मानव की बात की है। तो वही बात है कि हर थिंकर का अपना अपना नजरिया है देखने का। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, संचार की प्रकृति, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन का नेचर क्या होना चाहिए। संचार एक विज्ञान एवं कला दोनों है। ये देखिए संचार क्या है, हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। इसको हम समझते हैं, देखिए साइंस किस तरह से, साइंस इस तरह से आज हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन्स है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, तो कितने साधन हो गए हमारे पास। साइंटिफिक तरीके से हमने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया है। दूसरी तरह से अगर हम कला की बात करें तो कला का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से भाषण दे सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से गा सकता है, तो वो क्या होगी, वो कला होगी। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है दोस्तों, वो एक संचार, एक कला भी है और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, दोनों इसके अंदर आता है। संचार एक जन्मजात गुण है, ये चीज़ हमने देख ली दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एक सोशल प्रोसेस है। हम समाज में रहेंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। वास्तव में संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संचार के दोनों पक्ष प्रेरक तथा प्रापक सामाजिक प्राणी होते हैं और समाज की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के माध्यम से ही संपन्न होती है। देखिए ये बात इसकी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कमी कहाँ पे रखी हुई है दोस्तों, इन्होंने मानव को ही इंक्लूड किया है, लेकिन ये बात सही नहीं है दोस्तों। हमें पता है कि जो पशु पक्षी है वो भी तो संचार करते हैं, वो मानव तो नहीं है लेकिन संचार तो करते ही है ना, वो पेड़ पौधे वो भी हमारे संचार करते हैं, लेकिन चलो जो भी है ठीक है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोसेस है। हम कहीं भी चले जाए हर जगह संचार होगा, हम अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहाँ लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन कम्युनिकेशन होगा। वहाँ पे हमें लैंग्वेज नहीं आ रही, उनके लैंग्वेज नहीं आ रही, लेकिन इशारा करके तो हम बता सकते हैं ना कि हमें पानी चाहिए, हमें क्या चाहिए, कहाँ जाना है, इशारे करके हम वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये पूरे दुनिया में हर जगह चलता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर संचार की विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों। संचार के अंदर मुख्य रूप से पांच तत्व होते हैं दोस्तों। पांच तत्व कौन कौन से, सबसे नंबर एक पे दोस्तों सेंडर आता है, यानी कि जो मैसेज भेजे ठीक है वो आता है, उसके बाद में मैसेज आता है। अब देखिए दोस्तों कई दोस्त इसके अंदर ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मैसेज आएगा, अगर मैसेज ही नहीं है तो सेंडर क्या करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही स्टेप है वो ये है, सबसे पहले हमारे सेंडर आएगा, यानी कि जो भेजने वाला आएगा, संदेश भेजने वाला आएगा, वो हो सकता है संदेश वाहक हो सकता है, लेखक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद में उसे क्या संदेश भेजना है वो आएगा। नंबर तीन पे आएगा मीडियम, किस माध्यम से उसको भेजना है, जैसे कि लेटर लिख के भेजना है या फिर रेडियो के द्वारा संदेश भेजना है, फिर या फिर टेलीफोन के जरिए किस तरह से उसको भेजना है, किस मीडियम से भेजना है, नंबर तीन पे आ जाएगा। नंबर चार पे दोस्तों रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता, उसे कौन रिसीव कर रहा है ठीक है, वो क्या आ जाएगा, हमारा रिसीवर आ जाएगा। रिसीवर के बाद में दोस्तों हमारे पास फीडबैक है, फीडबैक यानी कि उसने संदेश प्राप्त कर लिया, संदेश प्राप्त करने के बाद कुछ वो प्रत्युत्तर देगा, फीडबैक देगा, हाँ भाई मैंने आपकी बात नोट कर ली है और इसका जवाब मैं तब दूंगा, ये होगा, कुछ ना कुछ वो जवाब देगा। जब तक हमारी फीडबैक ना आए तब तक संचार प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जा सकता। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है इसके अंदर, नंबर छः पे अगर हम इंक्लूड करें तो वो होते हैं नॉइज होती है। जैसे मान के चलिए हम किसी के पास संदेश भेज रहे हैं, नॉइज आ जाए, जैसे मान के चलिए हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते पीछे से ट्रक गुजर गया तो अगले को समझ में नहीं आएगी हमने क्या कह दिया। और नॉइज़ जो है दोस्तों, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो बहुत तरह के हो सकते हैं। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में से पहले क्वेश्चन आए दोस्तों, उन वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर नॉइज़, वो भी आप याद रख लेना, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो स्टेप पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो यही पूछे जाते हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। ये हमारे कितने, एक दो तीन चार पाँच, पांच यहाँ पे हमारे स्टेप है, ये स्टेप आप याद रख लेना। और जो स्टूडेंट है कहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हैं, जो मैसेज है मैसेज पहले दे देते हैं और सेंडर नंबर दो पे देते हैं, तो सेंडर नंबर एक पे ही आएगा, ये आप ध्यान रखना ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, लेकिन संचार के आधुनिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तो संचार के निम्नलिखित तत्व प्रकाश में आते हैं। अगर हम न्यू मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो उसके अंदर संचार किस तरह का आता है उसके हम बात करते हैं। संचार एक सतत प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
प्रत्येक संचार निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहकों कर्मचारियों सरकार आदि बाह्य एवं आंतरिक पक्षों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यवहार में निरंतर बनी रहती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमेशा चलती रहती है कम्युनिकेशन प्रक्रिया, ये इन्होंने कहा है। और उसके बाद में हम बात करते हैं संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। देखिए अगर रियल मायने में देखा जाए तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन वो है जिसके द्वारा हम किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारा कम्युनिकेशन है। अब मान के चलिए एक पागल है, पागल कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, क्योंकि उसकी बातों का कुछ अर्थ निकलता ही नहीं है। तो हमारी ऐसी बात होनी चाहिए ना, कम्युनिकेशन उसी को माना जाएगा जिससे उसकी बातों का कुछ अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे मान के चलिए एक कुत्ता है, वो वैसे भौंक रहा है, अब हमें क्या पता वो क्यों भौंक रहा है। अगर वो हमें इशारा करे, वो हमें भौंकते हुए किसी जगह पे लेके जाए, वहां पे हम देखे हुए चोर घुसे हुए हैं, तो क्या होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि उस कुत्ते ने हमें अर्थ समझाया है क्यों वो भौंक रहा था। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ हमारा कम्युनिकेशन। और अगर कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा है, कुछ भी नहीं है, बेवजह भौंक रहा है, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों संचार के अंदर की अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए, क्या मतलब है उसका। आगे हम बात करते हैं संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। ये वही बात आ गई, फीडबैक वाली बात आ गई। देखिए एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर दूसरा जवाब ना दे, अगर वो फीडबैक ना दे, तो क्या होगा, वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगा। हम किसी से बात करते रहे, वो कुछ जवाब ही ना दे, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। तो इसलिए संचार दोनों तरफ से होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा, जैसे हम कुछ कहानी सुनाते तो वो हामी भरता रहता है, हाँ हाँ करता रहता, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है अगले को कहानी सुनाने में। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। अब देखिए हर तरह के संचार के लिए अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कुछ बात समझाना चाहे वो केवल और केवल फ़ोन द्वारा ही समझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम फ़ोन पे बात करें, फिर हम ये कहेंगे यार तू ये बता तू कहाँ पे, मैं वहीं आके बात कर रहा हूँ तेरे से, ठीक है। तो अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग हमारे हो सकते मीडियम हो सकते हैं, अलग अलग चैनल हो सकते हैं। और सूचना, देखिए जैसे इसमें बात करें, आधुनिक युग में अनेक संचार माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में संचार के लिए परंपरागत माध्यम जैसे पत्राचार, टेलीफोन के साथ साथ तीव्र गति वाले आधुनिक संचार माध्यम जैसे टेलीफैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जैसे हमारे पास टीवी पे क्या है, टीवी पे 24 घंटे न्यूज़ चलती रहती है ना, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर में एक दिन बाद न्यूज़ आती है, लेकिन फिर भी उनको एक दिन बाद न्यूज़ पढ़ लेंगे, जो न्यूज़पेपर है उनको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो टीवी चैनल है उन पे लाइव चलता रहता है, 24 घंटे न्यूज़ देते रहते हैं, बहुत पहले हमें पता चल जाती है, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है। तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से भी अलग अलग चैनल पसंद आ सकते हैं कम्युनिकेशन के। तो ये है दोस्तों आज की हमारी क्लास, इसके अंदर हमने जाना कि संचार क्या है, संचार का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC NET कम्युनिकेशन क्लास 4। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं 15 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों संचार में वैसे तो बहुत तरह की बाधाएं आ सकती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई गाड़ी गुजर गई हमारे साथ पास से, या फिर फोन कॉल में दिक्कत आने लगी नेटवर्क के अंदर, या फिर हमारे समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी तरह की बाधाएं हो सकती है संचार करने के दौरान, तो आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से जो बाधाएं आती है हमारे अंदर, हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करते हैं, यानी कि जब संगठन है या फिर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साइज अगर बड़ा है छोटा है, तो किस तरह से कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। संगठन का आकार, जैसे कि हमने बात कर ली, मान के चलिए 10 लोग हैं, 10 लोगों से बात करेंगे तो अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर 100 लोग हो तो उनसे बात करने में हमें काफी परेशानी होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस बात काफी मायने रखती है। मान के चलिए एक व्यक्ति हमारे सामने है बिल्कुल, तो उससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति मान के चलते हमसे 20 फीट दूर है या फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर है, तो दूरी बहुत मायने रखती है। जो जितना पास होगा उतना अच्छे से हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में अच्छे से जानता है, मान के चलिए आप जैसे, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप UGC नेट के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं, लेकिन कोई एक बिल्कुल नया स्टूडेंट आए, उनको हम समझाएंगे चीज़ें तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ का जानकार है वो उस चीज़ को जल्दी कैचअप करेगा, जल्दी से उसको समझ पाएगा। संगठन की संस्कृति यह स्वतंत्रता और विश्वास पर भी प्रभाव डालती है, यानी कि किस तरह की वहाँ का माहौल कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई इस गांव के बच्चे, इस मोहल्ले के बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से सुनते हैं, और कई गाँव ऐसे होते हैं या फिर कई मोहल्ले ऐसे होते हैं, स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बच्चे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, तो वो अच्छे, वहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। संस्कृति बहुत महत्व करती है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे संगठन के नियम वगैरह भी, नियम पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। मान के चलिए अक्सर ये देखा जाता है कि SBI बैंक वगैरह में, कहीं भी सरकारी बैंक में हम जाते हैं, तो वहाँ के जो नियम कायदे कानून होते हैं बहुत ही लचीले होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता वहाँ पे, लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कोई कहता है उतने नंबर काउंटर पर जाओ, वो फिर आगे आगे भेज देगा, फिर आगे भेज देगा। तो जो नियम और कानून होते हैं हमारे संगठन के अंदर, वो भी बहुत मैटर करते हैं। अपर्याप्त सुविधाएं और अवसर, अगर हमारे पास फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो भी हमारा कम्युनिकेशन। यांत्रिक बाधाओं को पारस्परिक और जन संचार दोनों में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों यांत्रिक यानी कि टेक्निकली जो चीजें हैं, यंत्र की जो चीजें हैं, वो हम पर्सनली और जब मास कम्युनिकेशन करेंगे तो दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, जैसे TV स्क्रीन है, हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर अगर कुछ खराबी आ गई तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन में हमने अक्सर देखा जब भी हम बात करते हैं तो काफ़ी बार हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर कट कट के आवाज़ आने लगती है, तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उस वजह से। और भौतिक बाधाओं के अंदर और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आ सकती है, जैसे शोर आ गया, जैसे हम बात कर रहे हैं पीछे से गाड़ी निकल गई या कुछ और हो गया, शोर हो गया, अदृश्यता हो गया, मीन्स वही चीज़ होगी जैसे कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, मान के चलिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छे से फोटो दिखाई नहीं दे रही है। और वातावरण, भौतिक सुविधाएं खराब, स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य होना या फिर ध्यान केंद्रित न हो पाना, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या सद्दीपन, इसका मीन्स ये है दोस्तों, मान के चलिए कि क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर एक रैली जा रही है, लोगों की रैली जा रही है, बड़ी जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो वो क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित दूसरी तरफ हो जाएगा, हमारा पढ़ाई से ध्यान हट के दूसरी तरफ चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित तनाव, कक्षा में उच्च ताप, वायु संचालन का उपयुक्त न होना। जैसे कि मान के चलिए कई बार कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा सही से नहीं चल रहा, AC नहीं है, तो हमारा क्या है कि पढ़ने में मन नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा कि यार जल्दी से जल्दी कब इस क्लास से बाहर हम जाएं। तो वातावरण, वातावरण काफ़ी मायने रखता है इसके अंदर। व्यक्तिनिष्ठ तनाव, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, अगर हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस होगा, किसी बात को लेके कुछ तनाव होगा, तो भी हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, ये देखिए, प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, यानी कि जो रिसीवर है, रिसीवर के पास कैसा माध्यम है, किससे वो चीज़ें देख रहा है, कहाँ से वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो हमें नहीं पता होगा तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब मान के चलिए अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास कीपैड वाला फ़ोन हो, उसमें छोटी स्क्रीन हो, छोटी स्क्रीन पे वीडियोस अच्छे से ना चल सकती हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से दिख रही होगी वीडियो, अच्छे से सुन पा रहे होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका फ़ोन ख़राब हो, फ़ोन स्क्रीन टूटी हुई हो या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर हम रिसीवर का, जो स्टूडेंट है, उसका नहीं पता होगा कि उसके पास कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मानसिक अवरोध या बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों मानसिक रूप से। व्यक्ति विशेष संदर्भ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह है हमारी संस्कृति, आदर्श, मूल्य, आस्था, विश्वास आदि का मिश्रण है। बाल्यावस्था के अनुभव आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संदर्भ एक समान नहीं हो सकता। अब हम किसी चीज के बारे में कुछ अपनी राय रख लेते हैं, या फिर व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है ना। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है, वो शरारत कर रहा है, सर उसकी शरारत करने की आदत ही ऐसी है कि वो शरारत करता है, हमेशा शरारत करता है, ध्यान से वो सुनता ही नहीं है, तो वो वहां पे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि बचपन से उसकी ऐसी आदत तो बनी हुई है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बिल्कुल सीरियस होके अच्छे से सुनते चीजों को, तो ये चीजें इस पर काफी प्रभाव डालती है। आगे हम बात करते हैं आत्म छवि या स्वत धारणा, सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट। मान के चलिए कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, लेकिन हम पहले से ही उनके बारे में गलत धारणाएं बना के रखते हैं, या फिर अपने अंदर विचार रखते हैं भाई ये व्यक्ति तो ऐसे है। देखिए, हर इसके अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ छवि या धारणा बनाकर रखता है। हमारी आत्म छवि अचेतन मन में शब्दों का अर्थ निकालने में एक भूमिका निभाती है। देखिए, जैसे मान के चलिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ना पहले से डिसाइड कर लेते हैं यार मेरे को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम बात करें, अपने ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि उनको डीआई समझ में नहीं आता, वो मैथ के क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, तो उन्होंने पहले ही एक आत्म अपनी छवि बना ली है, अपने आप की एक इमेज बना ली है कि मेरे को ना मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, मैं डीआई नहीं कर सकता। तो वो क्या है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा उन चीजों को, वो पहले से ही धारणा बना रखी है उन्होंने। तो ये चीज होती है, और इस चीज को आप बहुत 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 अच्छे से समझ सकते हैं। शायद आप भी डीआई के क्वेश्चन से डरते होंगे, लेकिन डीआई के क्वेश्चन दोस्तों आप देखना, सितंबर और नवंबर 2020 एग्जाम में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं। अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान आने लग गए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन भी आसान आ रहे हैं। तो डरिए मत, अपने आप की एक छवि मत बनाइए कि मुझे आता नहीं है, आप ये छवि बनाइए कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, ये छवि बनाइए आप। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुभव क्षेत्र। अगर हमें किसी चीज का अनुभव नहीं है तो हम उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, किसी चीज का हमें अनुभव ज्यादा है तो उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे। विज्ञान के छात्रों को शायद ही हिंदी साहित्य की बातें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में न आए, ठीक है वही बात आ गई ना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको साइंस के काफ़ी नॉलेज है, लेकिन हिंदी साहित्य की उनको नॉलेज नहीं है क्योंकि उसको उनको अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का। आगे आगे दोस्तों हमारे पास संज्ञानात्मक मतभेद, कॉग्निटिव डिफरेंस, यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे विरुद्ध होती है लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम इसमें, एक शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से समझता है। एक स्टूडेंट है वो रैगिंग करता है, रैगिंग करना उसको अच्छा लगता है, लेकिन रैगिंग के खिलाफ एक पोस्टर आएगा तो उसको वो अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो कॉग्निटिव डिफरेंस यानी कि जो चीज़ हमारे विरुद्ध हो तो हम उसको अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं जो हमारे विरुद्ध हो। आगे हम बात करते हैं मानसिक डर या बचाव की मुद्रा, मेंटल फियर और डिफेंसिव पोस्चरिंग। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे अंदर मेंटल डर है यानी कि कुछ डर बैठा हुआ है हमारे अंदर, तो हम अच्छी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि यदि एक शिक्षक कक्षा में यह पूछ ले कि यह शरारत किसने की है, तो एक निर्दोष छात्र यह कह बैठे कि शरारत उसने नहीं की, तो शक के घेरे में वो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसे ये लगेगा कि यार मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ यार क्या करूँ, वो डर डर में ये कह देगा कि सर ना 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर शक हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो, ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया ना, मिस कम्युनिकेशन हो गया कि बच्चे ने तो सच बोला कि सर नहीं मैंने नहीं किया, मैंने लड़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी हमें उस पे शक हो गया, तो ये चीजें हैं। आगे बात करते हैं चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शन, यह एक तरह का पूर्वाग्रह ही है, हम ऐसे उद्दीपनों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी पूर्व मान्यता के विरुद्ध हो। जैसे कि मान के चलिए हमने पहले से कोई धारणा बना रखी है, ये चीज तो ऐसे होती है, कम्युनिकेशन तो ऐसे होता है, ठीक है, कोई चीज हमने पहले ही अपने माइंड में सेटअप कर रखी है भाई ये काम करने से ये होता है, उसके बाद में अगर कोई टीचर हमें समझाए तो हम उनकी बातों को अच्छे से
एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी ही धारणा बनाए रखते हैं, हम अपने अनुसार ही उसको सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में अनुकूल राय रखता है और वह छात्र खराब प्रदर्शन करे तो वह शिक्षक उसके बारे में फिर भी अच्छा ही कहेगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसकी धारणा अच्छी बना रखी है, टीचर ने अच्छी बना रखी है, लेकिन फिर भी वो गलत कर देगा ना तो उसे विश्वास नहीं होगा जल्दी से, वो ये कहेगा नहीं 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 ये तो कर नहीं सकता। होता ना हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हमारे आसपास में कोई लड़का या लड़की कुछ गलत कर देता तो हमें विश्वास ही नहीं होता, हम कहते नहीं यार नहीं ऐसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले से ही धारणा बना रखी है उसके बारे में कि वो अच्छा इंसान है। इसी तरीके से हम गलत धारणा भी बनाते हैं स्टूडेंट के बारे में, लोगों के बारे में कि यार वो तो बड़ा गंदा आदमी है, यार वो तो बड़ा गंदा आदमी है, अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो हम उसको बहुत बुरा मानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही धारणा बना रखी है उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फिल्टरिंग की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है कि सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाना, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है, इसे ग्रेपवाइन भी कहा जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसके बारे में, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मान के चलिए सास और बहू के अंदर लड़ाई होगी, ठीक है, सास बहू के अंदर लड़ाई होगी, सास अपनी बहू की बातें आगे जाके बताएगी, पड़ोस के अंदर बताएगी, अपने रिश्तेदारों को बताएगी, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जो खुद की गलती होगी ना वो कभी नहीं बताएगी, बहू में जो गलती है वो सारी की सारी बता देगी, यानी कि फिल्टर कर दिया उसने, फिल्टर चीज़ों को फिल्टर करके जो बहू के अंदर जो गलती है ना वो सारी की सारी बता दी, लेकिन अपने अंदर जो गलती है वो उसने नहीं बताई। इस वजह से क्या होता है कि मिस कम्युनिकेशन होता है हमारा, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं क्या हो सकती है। इसका तात्पर्य उन अवरोधों से जिनका संबंध भाषा से होता है, लैंग्वेज से, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों, अगर लैंग्वेज हमारी अलग होगी तो हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अर्थ संबंधी अवरोध, इसका मतलब ये है कि कई बार हम बोलते कुछ है लेकिन वो अगला व्यक्ति उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। वर्तमान समय में आधुनिक संचार माध्यम है जैसे ईमेल, फैक्स, प्रिंट इत्यादि पर विविध भाषाओं में सूचनाओं का प्रभाव हो रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए अल्पभाषी को अनुवाद करना पड़ता है। आज तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है दोस्तों, आज हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, आपने चैट में भी देखा होगा, आप चैट कुछ और कर देते हैं लेकिन अगला व्यक्ति उसे कुछ और समझ लेते हैं और फिर कई दिनों तक लड़ाई चलती है और बाद में पता चलता है यार मेरे कहने का मतलब ये था, अरे यार मैंने ये कहा था तुमने गलत समझ लिया, है ना, ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताना कि कब कब ऐसा आपके साथ हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, इसका मतलब ये है दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात समझाने के लिए उसकी पूरी भूमिका बनाते हैं, उसको पूरा बैकग्राउंड बताते हैं, ये देखो एक बार क्या हुआ था कि वो हुआ था, फिर ये हुआ, फिर मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा, यानी कि पूरी लंबी बात हम खींच लेते हैं, इससे क्या होता है अगला बोर भी हो सकता है हमारी बातों से, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोई बात सीधी डायरेक्ट कहे ठीक है, तो क्या पता वो बात उसको समझ में ना आए, तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लंबी वो चीज़ें बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे, तो हमारी जो अगला व्यक्ति वो बोर हो सकता है, और अगर हम डायरेक्टली बताएंगे उसको थोड़ी चीज़ें नहीं समझाएंगे तो भी बातें समझ में नहीं आएगी, तो ये चीज़ें दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे हमारे पास क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए हरियाणा के जो लोग हैं और गुजरात के जो लोग हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा। हरियाणा के व्यक्तियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ना जब बोलेंगे ना तो ऐसे लग रहा है जैसे वो डांट रहे हैं, ठीक है, अगले व्यक्ति को ऐसे लग रहा होगा कि ये गुस्से में है, ये डांट के बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, वो बात भी करेंगे तो अपनी ओर से तो वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन अगले को क्या है, अगले को ऐसा लगेगा कि वो गुस्से में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। आगे हम बात करते हैं भाषा का अल्प ज्ञान होना, ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर हमें भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे दोस्तों सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंस,
अब देखिए इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने पहले तो बात की अलग अलग स्टेट की बात की, अब हरियाणा की भी हम बात करें। हरियाणा के अंदर भी जैसे हिसार के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, चंडीगढ़ के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, हर स्टेट के अंदर भी एक गांव के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, दूसरे गांव के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, वहां के लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है। तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती हैं और ये सभी चीज़ें क्या है हमारे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती हैं। और आगे दोस्तों तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या है कि आज जैसे कि यूट्यूब अच्छे से चलाना नहीं आता, या फिर जूम पे किस तरह से कनेक्ट होते हैं वो नहीं पता, वीडियो कॉल किस तरह से करते हैं वो नहीं पता, कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं आता। तो ये क्या है कि तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आजकल के बच्चों को तो खैर पता है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुए हैं, सितंबर में और नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, कुछ हमने अलग किए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, ये देखिए ये रहा हमारा 24 नवंबर, सॉरी 24 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। सिमेंटिक बैरियर, फॉल्टी मैसेज हो गया इसका। आगे हम साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अभी हमने बात की थी ना, साइकोलॉजिकल पुअर रिटेंशन यानी कि अच्छे से न समझ पाना, अगले व्यक्ति ने कुछ बात कही है और हमने उसको कुछ और समझ लिया है, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया है, ठीक है। पर्सनल, पर्सनल के अंदर लैक ऑफ टाइम यानी कि टाइम की कमी होना। और फिजिकल, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल क्लियरिटी इन चैनल यानी कि ये देखिए जो हम चैनल यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर हो सकता है अच्छा चैनल ना हो, वो टूटा फूटा हो, या फिर जैसे हम टीवी लेके आए हैं टीवी टूटा हुआ हो, या फिर मोबाइल जो लेके आए हैं मोबाइल के अंदर स्पीकर खराब हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे इन्होंने चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन के अंदर हमें दो ऑप्शन का पता ना चले, लेकिन दो ऑप्शन का अगर पता चल जाए तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से जो आया है हमारा, ये तो वो हो गया, और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में से जो क्वेश्चन आया, हाँ ये देखिए ये 9 अक्टूबर को है, हाँ 9 अक्टूबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर क्या है, समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, इसका क्या है भौतिक ध्वनि यानी कि फिजिकल बैरियर हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। संदेश की विभिन्न समझ, समझ की बात होगी ना, ये अर्थिम ध्वनि, अर्थिम अर्थिम ध्वनि, अर्थिम अर्थ अर्थ, ठीक है, अर्थ वही आ गया ना कि हमने कुछ भेजा अगले ने कुछ और समझ लिया। संदेश की विभिन्न समझ यानी कि हमने उसका अर्थ अलग निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं संदेश का निष्क्रिय स्रोता अभिग्रहण, मनोवैज्ञानिक ध्वनि यानी कि वो उसने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की, जो हमने बोला वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया उसने। कुछ सहजातीय समूह के प्रति पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक धारणा बना के रखते हैं, भाई ये व्यक्ति तो ऐसे ही है और ये इस व्यक्ति को तो बोलना ही नहीं आता, क्या है ये, क्या है ऐसे ही है, तो ऐसे हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं, तो उस वजह से हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ईयर ऑफ कम्युनिकेशन में से दोस्तों पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर दोस्तों हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, और लाइव मॉक टेस्ट में कोशिश करेंगे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।